हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित, डॉक्टर मनोहर रे हर्षुल शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको। पांच कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, उसके मैंने आपको कुछ वीडियो अपलोड कर दिए थे आप लोगों को। कल मैंने 9 नंबर तक क्वेश्चन बताया था, आज उसके आगे आप लोग देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी रहा दिख रहा होगा आपको। 10 से 12 नंबर तक क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ आगे पढ़ाते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे हम। देखिए, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है। 10 नंबर, निम्न को सरल कीजिए। 1 + i का होल स्क्वायर प्लस 1 - i का होल स्क्वायर बटे 1 + i का स्क्वायर माइनस 1 - i का स्क्वायर। जिस समास चार इक्वेशन दी हुई है आपको, इनको सोल्यूशन करके बताना है, हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और देश का नाम भी रोशन करते रहिए। जिन लोगों ने अभी भी चैनल की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है? 1 पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास सोल्यूशन पे, हम देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i और प्लस का 1 माइनस प्लस का आई स्क्वायर माइनस का हो जाएंगे हमारे पास 2i बटे लिखा हुआ है। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस के 2i माइनस 1 प्लस का आई स्क्वायर माइनस के 2i बराबर हो जाएगा। जी देखिए, हमारे पास 1 प्लस आई स्क्वायर का मान होता है हमारे पास माइनस का 1। हम यहाँ पे मान रख दे रहे हैं माइनस का 1, तो माइनस 1 अब माइनस आई 2i जो कट जाएंगे, जो हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, ऊपर से जे से जे कट जाएंगे, जैसे जे कट जाएंगे बटे आ जाएगा हमारे पास नीचे 1 माइनस का आई 1 और प्लस के 2i माइनस का 1 और जो हो जाएंगे माइनस के आई स्क्वायर और जो हो जाएंगे प्लस के 2i जो जाएंगे। देखिए, ये आपस में वैसे भी कट जाएंगे हमारे आई स्क्वायर से आई स्क्वायर जो जाएंगे 2 2 ऊपर हो गया हमारे पास 0 बटे आ जाएगा 4i। किसी भी संख्या का मान अगर ऊपर 0 लिखा है तो नीचे भी 0 होता है, हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है, जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए। अब बताते हैं इसका बी नंबर, लिखा है 1 प्लस का आई बटे 1 माइनस का आई माइनस का 1 माइनस का आई बटे 1 प्लस का आई। अब देखिए, हमारे हर सेम है, इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का आई इंटू में आ जाएगा 1 प्लस का आई। इसका इस पे गुणा हो जाएगा 1 प्लस का आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोल देंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस का आई स्क्वायर और प्लस की 2i माइनस के अंदर गुणा कर देंगे 1 प्लस का आई स्क्वायर माइनस की 2i नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का आई स्क्वायर। अब इसके अंदर हम गुणा करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे आपके सामने। देखिए, अभी खोलते हैं 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस के 2i माइनस का 1 माइनस का आई स्क्वायर प्लस के 2i बटे आ जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का 1। जे से जे और जे जे कट जाएंगे, ऊपर बचेंगे 4i नीचे बचेंगे 2, 2 × 4 तो जाएंगे 2i हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास 2i। बी नंबर क्वेश्चन हो गया, आप बताते हैं इसी का सी नंबर क्वेश्चन। देखिए, सी नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी आपको। लिखा हुआ निम्न को ए प्लस आई बी के सॉरी सी नंबर लिखते हैं, 1 माइनस का आई 1 प्लस का आई, 1 माइनस का आई 1 प्लस का आई लिखा हुआ है। अब देखिए, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा हमारे पास 1 माइनस आई स्क्वायर। बहुत आसान है, मानिए तो ज्ञात करना है, हमको सरल करना है, तो याद आएंगे 1 माइनस प्लस का 1 तो याद आएंगे 2, आंसर आ गया हमारे पास, जो कि सी नंबर। अब बताते हैं इसका डी नंबर, √3 प्लस का आई √12 प्लस √12 माइनस के √3 इंटू में आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आगे हमारे पास दिया हुआ है सवाल नंबर डी। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, √3 प्लस का आई √12 प्लस के √12 माइनस के √3 इंटू में आई। √3 प्लस 12 से जाएंगे 2 √
थ्री आई प्लस टू रूट थ्री माइनस के रूट थ्री आई। टू रूट थ्री हो जाएंगे हमारे पास थ्री रूट थ्री, और दो में से एक कम कर देंगे तो जा जाएंगे प्लस के रूट थ्री आई। हमारा बन गया ये डी का ऑप्शन। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद आगे आपको बताते हैं, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी रहा लिखा हुआ है, वन माइनस का आई की पावर फोर को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। वन माइनस आई की पावर फोर को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। आप लोगों को व्यक्त करना है, कैसे निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप लगा सकते हैं। देखिए लिखा वन माइनस आई की पावर फोर, तो इसको ले सकते हैं क्या, वन माइनस आई स्क्वायर इंटू में वन माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि हमें पावर फोर का अगर फार्मूला नहीं पता तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू आई, वन आई की जगह स्क्वायर की जगह प्लस माइनस वन माइनस के टू आई, टू वन माइनस का वन और माइनस के टू आई, वन से वन कट गया, माइनस के टू आई इंटू में आ जाएंगे माइनस के टू आई, माइनस कर जाएंगे प्लस, दो दूना हो जाएंगे फोर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान मतलब हो जाएगा हमारे पास फोर इंटू में माइनस का वन, तो आ जाएंगे माइनस के चार, हो जाएंगे वन माइनस आई की पावर फोर। ठीक है, जो हो गया आपके पास ग्यारह नंबर। अब बताते हैं आपको बारह नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, बारह नंबर भी आपको अभी बताया जाएगा बहुत ही सिंपल वे में। आप लोग देखिए जी, आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन, आपको बारह नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को ए प्लस आई बी के रूप में आपको व्यक्त करना है, कैसे करना है वो भी आपको बता रहे हैं। आप लोग देखिएगा और अच्छे से कर भी सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखना है बहुत आसानी के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है वन अपान थ्री प्लस का फोर आई, वन अपान थ्री प्लस का फोर आई जी आपके पास लिखा हुआ है। आपको पास में ये बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको लिखेगा ए प्लस बी आई बी के रूप में फॉर्मेट कीजिए। तो यहाँ पे आपको परिमेयकरण कर लेना है, या तो लिख सकते हो अंश व हर में थ्री माइनस का फोर आई से क्या करने पर, गुणा करने पर, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो या परिमेयकरण आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो वन अपॉन थ्री प्लस के फोर आई इंटू में थ्री माइनस के फोर आई बटे थ्री माइनस के फोर आई, ये जाएंगे हमारे पास थ्री माइनस के फोर आई बटे हो जाएंगे तीन त्रिका नौ माइनस के चार चौके सोलह आई स्क्वायर, जाएंगे तीन माइनस के फोर आई बटे आ जाएंगे नौ माइनस के सोलह आई स्क्वायर का माइनस का वन रख देंगे यहाँ पे, तो ये रहेंगे तीन माइनस के फोर आई बटे आ जाएंगे नौ माइनस करेंगे प्लस के सोलह बराबर के तीन माइनस के फोर आई बटे सोलह नौ हो जाएंगे हमारे पास पच्चीस, सोलह नौ पच्चीस हो गए। आप लोग देख सकते हैं कितना आसान है। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तीन बटे पच्चीस माइनस के चार आई बटे पच्चीस, ये हो गया हमारा ए प्लस बी के फॉर्मेट में हो गया। देखिए आपको आंसर मिल गया, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर बी। आप बताते हैं क्वेश्चन नंबर ए बता हो गया, आपको इसी का बी पार्ट बताते हैं आपको। क्वेश्चन बी पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास, इसका भी क्या करेंगे, लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में पांच प्लस थ्री आई का गुणा करने पर सॉरी अंश बार में फाइव प्लस थ्री आई का जब गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा थ्री प्लस का टू आई बटे फाइव माइनस का थ्री आई बटे आ जाएंगे फाइव प्लस का थ्री आई बटे फाइव प्लस का थ्री आई। देखिए ऊपर हम गुणा कर लेंगे, आ जाएंगे पांच से ही पंद्रह प्लस के पांच गुना दस आई, पांच का कर देंगे प्लस तीन का नौ आई और प्लस के तीन गुना छह आई स्क्वायर बटे आ जाएगा हमारे पास, जाएंगे पचम पच्चीस माइनस तीन का नौ आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फिर सोल्यूशन कर लेंगे आगे, पंद्रह अब जी आ जाएंगे हमारे पास पंद्रह आई से लेंगे नौ छह हो जाएंगे पंद्रह नौ हो जाएंगे उन्नीस आई और प्लस के हो जाएंगे हमारे पास छह और ये माइनस का वन बटे आ जाएंगे हमारे पास पच्चीस माइनस के नौ माइनस का वन आ जाएगा, ये बचेंगे पंद्रह प्लस के
19 आई माइनस के 6 बटे आ जाएंगे हमारे पास 25 प्लस की 9 हो जाएंगे हमारे पास 15 9 और प्लस के हो जाएंगे 19 आई बटे आ जाएंगे 34। अब देखिए 34 आ गया, बहुत आसान है, अलग अलग कर लेंगे 9 बटे हो जाएंगे 34 प्लस के 19 आई बटे हो जाएंगे 34। हमारा ये आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में बन गया, इसी वजह से हमारा यही आंसर हो गया। अब बताते हैं आपको इसी का सी नंबर। देखिए बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सी नंबर आपको दिख रहा है, बहुत आसान है। इसका भी क्या कर लेंगे हम, क्या पहले तो होल स्क्वायर खोल लेंगे, उसके बाद इसका परिमेयकरण करेंगे, कोशिश करेंगे 2 प्लस का 3i बटे 2 माइनस i का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे 2 दूना 4 प्लस 3 का 9 स्क्वायर, और हो जाएंगे प्लस के 4 3 दूना 6 i बटे आ जाएंगे हमारे पास 2 माइनस का i, फिर हो जाएंगे 4 प्लस के हो जाएंगे 9 माइनस का 1 प्लस के 6i, क्योंकि हम जानते हैं i स्क्वायर का मान क्या होता है हमारे पास माइनस का 1, हो जाएंगे 4 माइनस के 9 प्लस के 6i बटी हो जाएंगे हमारे पास 2 माइनस का 1, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5 प्लस के 6i बटी हो जाएंगे 2 माइनस का 1। अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे 2 प्लस का i बटी हो जाएंगे 2 प्लस का i, हो जाएंगे माइनस के 5 गुना 10 और माइनस को जाएंगे 5i, प्लस को जाएंगे 6 दूनी 12i और प्लस के 6i स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 दूना 4 माइनस का i स्क्वायर। अब मान रख देंगे हो जाएंगे हमारे माइनस के 10, माइनस को जाएंगे 12 में से 5 कम कर देंगे, बचेंगे हमारे पास 7i, अब माइनस को जाएंगे 6 बटे 4 प्लस का 1, तो ये जाएंगे माइनस के 10 और 10 और 6 हो जाएंगे 16 और प्लस के 7i बटे आ जाएंगे 5। अब इसका अलग अलग कर देंगे तो माइनस के 16 बटे 5 प्लस के 7i बटे हो जाएंगे 5। देखिए हमारा बन गया परिमेयकरण, बहुत आसान बहुत सिंपल, आप लोग देख सकते हैं हमारे तरीके से, आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है जी, हो गया आपके पास सी नंबर क्वेश्चन, आप इसी का बताते हैं आपको डी नंबर पार्ट बताते हैं। डी नंबर पार्ट बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे हम। डी नंबर में भी क्या कर लेंगे, अंश व हर में 4 प्लस माइनस रूट 3 से गुणा करने पर, ठीक है, या इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं, जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा रूट 3i बटे 4 माइनस का रूट 3i, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 का मान होता है हमारे पास i। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जाएगा हमारे पास 4 प्लस रूट 3i बटे 4 माइनस रूट 3i गुणा जाएगा 4 प्लस रूट 3i बटे 4 प्लस रूट 3i, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा आई का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएंगे 4 चौके 16 माइनस 3 इंटू में आई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 चौके 16 प्लस के 3 आई स्क्वायर, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 4 दुनी 8 रूट 3 आई बटे आ जाएंगे हमारे पास 16 माइनस में प्लस के 3 हो जाएंगे, और हो जाएंगे हमारे पास 16 प्लस के 3 माइनस के 1 और प्लस के 8 रूट 3 आई बटे में आ जाएगा 16, 3 हो जाएंगे 19, 16 में 3 कम कर देंगे बचेंगे 13 प्लस के 8 रूट 3 बटे आई बटे हो जाएंगे 19। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 19, अब इसको अलग कर देंगे 13 बटे हो जाएंगे 19 प्लस के 8 रूट 3 आई बटे हो जाएंगे 19। बहुत ही आसान सेम क्वेश्चन है, जो आप लोग लगा सकते हैं, जो कि आपका ई नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। देखिए जो डी नंबर इसका ई नंबर क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है, ये आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को होमवर्क भी करना जरूरी है। आप लोग स्वयं कोशिश कीजिएगा लगाने की, आप लोगों को हो जाएगा, आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे, आपको ना ही कोई समस्या होगी, आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को देखिए यहाँ पे एफ नंबर लिखा हुआ है, जो एफ नंबर भी आप लोगों को कोशिश करना है लगाने की, लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे उसको।
ठीक है। तो यहाँ से जा रहेगा हमारे पास एफ नंबर भी, इसको भी आपको होमवर्क में लगाना है आप लोगों को। सर मैंने बहुत सारी चीजें बताएं, आप लोग कोशिश कीजिएगा जो आप लोगों को आ जाएगा, नहीं आएंगे तो हम आपको बता देंगे, बताइएगा आप कमेंट करके। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो जी वाला भी आपको क्या, इसमें आपको होल क्यूब पहले खोल लेना है। आप लोग होल क्यूब खोजिए, जैसे लिखा ए प्लस बी का हेंस दिए दे रहे हैं, होल क्यूब खोलना ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का थ्री ए बी इंटू में आ जाएगा ए प्लस का बी, फिर इसके बाद आप इसको सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपको होमवर्क में क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अगर सारे हम बताएंगे तो आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ लगाइए, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। जिसको भी आपको होमवर्क में करना अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम आपको इसका सोल्यूशन ट्रांसफर कर देंगे, आप लोग इस पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे। इसी के साथ साथ ये वीडियो आज से यहीं से समाप्त किया जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप लोग क्या चैनल को एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।